ग्वालियर में इन दिनों निकाय चुनाव को लेकर जनसंपर्क का चुनावी दौर अपने घमासान पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के प्रत्याशी जोरों जोरों से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। इसी के चलते वार्ड क्रमांक 7 में पार्षद प्रत्याशी वंदना आशीष तोमर ने जनसंपर्क कर जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा है। इस दौरान रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल हुए, तो वहीं मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी वंदना आशीष तोमर और महापौर के समर्थन में जनता से वोट मांगे। ग्वालियर में नगर निगम चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के प्रत्याशी जनता से जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी के चलते वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद प्रत्याशी वंदना आशीष तोमर के समर्थन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतर आए हैं। वंदना आशीष तोमर ने विशाल रैली निकालकर नगर के वार्ड 7 में जनसंपर्क कर जनता से जीत का आशीर्वाद लिया, तो वहीं जनसंपर्क के दौरान वार्ड के मतदाताओं का भी बीजेपी प्रत्याशी को भरपूर समर्थन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान वंदना आशीष तोमर ने बिजली, सड़क, पानी समेत वार्ड की समस्याएं दूर करने का जनता से वादा करते हुए जीत का आशीर्वाद लिया है। पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है सरकार, किस तरह से जनता के बीच में पीछे जा रही है और नई ऊर्जा नए प्रतिनिधि को दी जा रही है? पार्टी हमारी हर कार्यकर्ता के बारे में सोचती है और जिस जमीन पर धरातल पर जिस कार्यकर्ता ने काम किया है, पिछले 38 सालों से मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर ये संदेश दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी किसी परिवारवाद पर नहीं जाती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर विश्वास करती है और जो कार्यकर्ता संगठन का काम करता है उस कार्यकर्ता को नीचे से जमीन से उठाकर एक पद पर पहुँचा देती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। पार्टी लगातार सरकार नए नए रोजगार ला रही है, नए नए उद्योग ला रही है, हम नगर निगम फिर 2 साल बाद बनेगी, तो किस तरह से नए विकास और आएंगे? नगर निगम में हमारे जो मूलभूत समस्याएं होती है बिजली, पानी, सड़क, निरंतर उस पर विकास होता चला जा रहा है। हमारे साथ में हमारे ऊर्जा मंत्री जी खड़े हैं, प्रद्युम्न सिंह जी, बिजली की समस्याओं का निरंतर समाधान होता जा रहा है, बहुत सारी प्रगति ऊर्जा विभाग ने करी है और जो भी समस्याएं उनका बराबर समाधान होता जा रहा है। सड़क का निर्माण आप देख रहे हैं, चारों तरफ सड़कों का जंजाल बिछ गया है, अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हैं। पानी की हम बात करें तो अमृत योजना के तहत बड़े बड़े पाइपलाइंस आ गए हैं, पानी का भी समस्या का समाधान हो रहा है और ज़रूरत पड़ रही है, चंबल से भी पानी की लाने की योजनाएँ बन रही है, अनेकों स्मार्ट सिटी की योजनाएँ हैं, हमारी एयरपोर्ट बन रहा है नया, हमारा रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं शहर के लिए, उद्यान है, उद्यानों का नवीनीकरण हो रहा है, अच्छे अच्छे पार्क्स बनाए जा रहे हैं, तो ये नगर निगम के स्वच्छता, हमारे मोदी जी का अभियान स्वच्छता अभियान, तो ये सारे काम हम चाहते हैं कि हमारा ग्वालियर नंबर एक इंदौर के, अभी इंदौर एक नंबर एक पर है, हमारा ग्वालियर नंबर एक बने, इसकी तरफ हमारा प्रयास रहेगा। पार्टी ने आपको जो मौका दिया, सेवा के लिए मौका दिया, किन मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के लगातार विकास रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास करती रही है, मैं भी उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, मैं भी क्षेत्रों में बराबर कार्य करता रहता हूँ, विकास कार्यों में मैं लगा रहता हूँ, जो भी क्षेत्र में जो भी समस्याएँ होती हैं मैं तत्काल उन समस्याओं का निवारण करता हूँ जगह पर जाकर, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ के जनता ने मेरे को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं रह गई हैं उन्हें किस तरह से क्रियान्वित करो? भारतीय जनता पार्टी जो भी योजनाएं हैं मैं उनको जमीनी स्तर पर लेके घर घर जाके उनका क्रियान्वयन करूंगा और मैं अपने तन मन से जितनी भी मेरे
अच्छे तरीके से उसका क्रियान्वयन करूंगा मैं, घर घर जाकर उसका लाभ दिलाऊंगा। कहां से टिकट मिला, क्या नाम है, कहां से टिकट मिला आपको, किस नंबर? मेरा वंदना आशीष सिंह तोमर, वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से पहले भी आप लगातार पब्लिक के बीच बीच रहेगा, पार्टी आपको जिताती है, इसी तरह से मिलनसार आप रहोगे? हाँ, मैं इसी तरह से मिलनसार रहूँगा, और अब तो मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने और जनता ने मेरे को बहुत जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरी पूर्ण रूप से 24 आवर्स निभाऊंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो वार्ड क्रमांक 7 की बीजेपी पार्षद प्रत्याशी वंदना आशीष तोमर के जनसंपर्क में दिग्गज नेता भी मैदान में उतरकर जीत के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं वंदना को मतदाता का भरपूर समर्थन मिलते दिखाई दे रहा है। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।